मैम थोड़ा बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, खासकर जो लेडीज के ग्रुप है गोपी क्लब आगरा में, इतने सारे लेडीज हैं जो अलग अलग चीज़ें करती हैं, उनके अलग अलग शौक है और मिलते हैं और अपने हॉबीज़ या अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में, दे प्रोग्रेस, दे वर्क टुगेदर, दे डू सो मेनी थिंग्स. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टू मीट ऑल द लेडीज एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट. मैंने 70 का दशक और 80 के दशक मैं 70 के दशक की बात करें, 80 के दशक की बात करें तो उस समय क्या कहना आज की? वो एक अलग वक्त था, वो भी अच्छा था. आज एक बिल्कुल अलग माहौल है, ये भी अच्छा है. मैम आप ताज नगरी आए हैं और ताज से आपका एक रिश्ता रहा, क्या कहना चाहेंगे ताजमहल? ताजमहल के बारे में मैं कौन हूँ कुछ कहने के लिए? सच एन इलस्ट्रियस मॉन्यूमेंट, इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ दिस कंट्री. एंड हाँ, जब मैं टीनेजर थी तब मैंने ताज टी की मॉडलिंग की थी. एंड आई हैव कम बैक मेनी टाइम्स, ब्रॉट माई चिल्ड्रेन, कम विद फ्रेंड्स. एंड इट्स पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए. सो इट्स समथिंग वेरी स्पेशल. मैम भारत में इलेक्शन चल रहा है. अरे बाबा, आप पॉलिटिकल बातें ना करें. जो राजनीति में है, क्या आप भी आएंगे क्या? नहीं, मैं नहीं आऊँगी. मुझे हालांकि इस इलेक्शन में मुझे कुछ ऑफर्स आए थे, लेकिन एक मिजाज होता है पॉलिटिक्स के लिए, मेरा मिजाज पॉलिटिक्स के लिए नहीं. मैम पॉलिटिकल नेता की बात करें तो एक आपको जो पसंद है यार, आप जैसे प्लीज डोंट आस्क मी, आप खाने पीने के बारे में बात कीजिए. आप जो सारी लेडीज कर रही हैं ना, केटरिंग, गार्डनिंग, आप इन चीज़ों के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ना करें. ये बहुत अरे अरे, दे विल ऑल मेंटेन, दे आर ऑल इंटेलिजेंट. और अब तो हर चीज़ गूगल पे है, यू नो, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीबडी विल मेंटेन. मैम एक 200 करोड़ 300 करोड़ का ट्रेंड चालू हो गया है, किस तरह से आप इसे मानती हैं कि एक फिल्म 200 करोड़ कमाए, 300 करोड़ कमाए? कौन कौन कमा रहा है 200-300? सलमान खान की 200 करोड़, मुझे पता नहीं है. तो आप ये आप कहते हैं, आई हैव नो आइडिया. आपका फेवरेट एक्टर आज की बात में? नहीं, सब अलग रोल्स में अच्छे हैं, अलग रोल्स में अच्छे हैं. जैसे संजू में रणवीर ने अच्छा काम किया, रणवीर अपनी फिल्मों में संजय लीला भंसाली के साथ गली बॉय में अच्छा काम किया. यू नो दे गुड इन डिफरेंट रोल्स, अलग रोल्स में ना अलग कलाकार जचता है. मैम आपकी एक फिल्म का नाम है हार्ट टचिंग, जो आपकी करीबी हूँ, तो कौन सी फिल्म है आपकी फिल्म? मेरी खुद की फिल्म. देखिए, मेरे लिए जैसे मैंने बाकी अभी सवाल जवाब चल रहा था, मैंने कहा मेरे लिए मायने हरे राम हरे कृष्णा मायने इसलिए रखता है बिकॉज इट वॉज़ अ फिल्म द गेमी स्टारडम. और फिर राज कपूर जी के साथ जो काम किया सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें मेरा थोड़ा सा हटके था, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला तो अच्छा लगा. फिर यू नो रोटी कपड़ा मकान, डॉन, कुर्बानी, ऑल नाइस. थैंक यू.